सारे मेरे वालों जय मसीह दी। मेरा नाम गुरविंदर है जी, इंडिया तो। मैं एक सिख परिवार के विचों आया, परमेश्वर ग्रहण किया। मैं तो परमेश्वर ग्रहण कर तो पहला थोड़ी काफ़ी छोटी उम्र तकरीबन 15-16 साल की उम्र तो बाद मैं परमेश्वर खोजन की कोशिश की। जगह जगह परमेश्वर लभ्या, तो लभण के लिए परमेश्वर मैनू कुछ लोग मिले जिन्होंने मैनू परमेश्वर दस्या कि परमेश्वर इस तरह मिलता, परमेश्वर इस तरह मिलता। तो उन्होंने मगर लग के मैं काफ़ी कम किए, जिमें कदे किसी की पूजा लग गया करना, तो कदे किसी की पूजा लग गया करना, कदे कन्ना च मुंदरा पा लिया, तो कदे भगवा बाणा पा लिया। इस तरीके नाल मैं काफ़ी ज़्यादा उलझे हाँ। तो मैं उन्हां विच देखिया कि यह सच्चे रब की इबादत नहीं कर रहे, कि सच्चे रब का नहीं इन्हां नूं पता। ये सिर्फ लोग अपना बिजनेस चलाई बैठे ने, कोई माला बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, मतलब अपना जो तागे तवीत सारा कुछ कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक प्योर बिजनेस चला रहे हैं। यह भगती नहीं है। मैं फोटो अपनी मैनशन कर दूंगा नाल पुरानी मेरी, जिस समय मैं साधु के भेष में सीगा। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ अपने उन्होंने लोगों का, जिन्होंने लोगों ने मैनू बाइबल बारे तो प्रभु यीशु मसीह बारे दस्या। तो मैं प्रभु यीशु मसीह बारे सुनिया तो पढ़िया, काफ़ी देर तो असं पढ़ते आ रहे थे, तो सुनते आ रहे कि प्रभु यीशु मसीह कोई है, पर प्रभु यीशु मसीह जानिया नहीं सीगा। तो खुदा का एक दास जिन्हें सानू परमेश्वर के कलाम बारे दस्या, तो मैं ग्रहण किया परमेश्वर को। तो लोगों दी गवाहियां बहुत ने, तो मेरी भी गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह दे विच आउण तो बाद मेरे नाल काफ़ी विरोध होया। बड़े लोग ने जिन्हां नूं मैं बड़ा चंगा लगता हुंदा सीगा, जिस समय मैं उस बाणी विच सीगा जां मैं उस तरीके दे काम करदा सी जो दुनियादारी चंगे लगदे ने, पर जदों मैं परमेश्वर नूं जाणिया, परमेश्वर दे पिछे मैं चलना स्टार्ट किया, परमेश्वर दे कलाम नूं मैं पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो मेरा विरोध होना शुरू हो गया। तो उहदे चलदे विरोध मेरा मेरे घर वालों भी होया, मैनू घरों कढ दित्ता गया। तो अज तक भी मैं अपने घर नहीं जाता, और मेरे घर दे विच मैनू एक रात भी रहण दा हुक्म नहीं आ, एक रात भी मैं अपने घर नहीं रह सकता। पर प्रभु यीशु मसीह दे विच आउण तो थोड़ी देर बाद मैं देखिया कि खुदा दे दास जो कहिंदे असीं सेवक हाँ, सेवादार हाँ, वाकई इस दे विच कोई शक नहीं, सारे खुदा दे दास सेवक ने और सेवादार ने, परमेश्वर दे खुदा दे चुने हुए लोग ने। पर मैं कुछ गल्लां जो मैनू बुरियां लगदियां सीगियां उस समय, जिस समय मैं साधु सीगा जां मैं किसी बाबियां दे मगर लग्या सी, जां मैं बाबियां दे नाल रहिंदा सी, तो बिजनेस सी करदे सीगे, सेवा नहीं सी करदे। तां पर अज कल भी कुछ दास इहो जिहे हैगे ने जो शैतान उन्हां ते हावी आ थोड़ा जिहा, ये नहीं मैं कहिंदा कि जाण के करदे ने, पर कुछ शैतान उन्हां ते थोड़ा जिहा हावी आ, जिस कारण वह लोग भी उन्हां बाबियां वाला कम कर रहे ने। जिस तरीके ना मैंबरशिप के कार्ड बनते हैं, और मैंबरशिप के कार्ड बनते ही ने, तो अलग अलग कैटागरी के बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता कि मसीह में तुम सब भाई बहन हो, पर इतने की है चार तरीके के कार्ड होंगे ने, ब्राउन, सिल्वर, गोल्डन एंड डायमंड। तो ब्राउन की कीमत अलग होंगी मैंबरशिप की, सिल्वर की अलग, गोल्डन की अलग, और डायमंड की अलग। तो प्रभु यीशु मसीह ने सानू
प्रभु यीशु मसीह के कलाम नूं पढ़िया जाए तो उत्थे वी एक ही मसीह है, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा। पर यह की जो असी कहते हैं कि मसीह दे विच असी किसी कल्टिज़म नूं नहीं मानते, किसी बुरियाई नूं नहीं मानते, असी किसी पखंड नूं नहीं मानते, तो की यह जातिवाद वाला सिलसिला नहीं चल रहा इत्थे कि जो घट पैसे वाला बंदा है वह ब्राउन कार्ड पर रहेगा, जो थोड़ा जो वो सिल्वर ले लेगा, जो थोड़ा जो उस तो ज़्यादा गोल्डन ले लेगा, जो ज़्यादा ही चंगा वधिया तो वह बंदा डायमंड ले लेगा। तो यह कुछ परमेश्वर के दास सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करन दे भी पैसे लेंदे ने। खैर बाइबल दसदी है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार आ, पर परमेश्वर तुहानू उस दे लई रस्ते मुहैया करवाउंदा और परमेश्वर तुहानू तुहाडी हर एक कमी ते घटी नू पूरा करदा। जो तुसी ते उही परमेश्वर दे दास जिहड़े खड़ के कहिंदे ने कि अपनी वचन दे विच दसदे ने कि तुसी स्वर्गी चीज़ां की खोज करो ते बाकी चीज़ां तुहानू दित्तियां जाणगियां क्योंकि तुहाडा स्वर्गी पिता जाणदा कि तुहाडी की जरूरत आ। ते उही खुदा दे दास फिर कोई रुमालां दे वचन लिख के बेच रहा, कोई पानी दीआं बोतलां नू बेच रहा, कोई तेल नू बेच रहा, तो कोई ब्रैसलेट बेच रहा। तो अगर तुसी निर्गमन दे विच पढ़ो तो जिहड़ा पहला हुक्म है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बना, तो ना अपने वास्ते कोई प्रतिमा बना, मतलब कोई फोटो ना बना। पर फिर यह जिहड़ियां फोटोआं खुदा दे दासां दीआं लोकां ने घरे लाईआं होईआं है ते उन्हां दी ओह उन्हां नूं बड़े आदर ते माण दे नाल पूजदे ने लोक, मतलब वह गल वक्खरी है कि धूफ बत्ती जदों नहीं करदे होणगे पर उन्हां दा सत्कार उस तरीके नाल ही करदे ने। उन्हां लोकां ने बाबे छड्डे पर उन्हां ने बाबिआं दीआं फोटोआं कढ़ियां ते प्रभु यीशु मसीह दी फोटो उत्थे लाती या खुदा दे दासां दीआं फोटो उत्थे लातीआं। पर यह बाइबल दे विच जदों मैं बाइबल नूं पढ़ना स्टार्ट कीता तो मैं जदों मैं हैरान हो गया, मैं सोचदा सी कि शायद इदां ही चलदा होना क्योंकि मेरी उन्नी अकल नहीं है ना मेरी उन्नी उम्र है कि खुदा दे दास बड़े बड़े ने ते काफ़ी सारे मेरे तो वड्डे ही ने पर मैं सब तो छोटा हुंदा सारिआं दे विच। तो अजे मैं बाइबल की स्टडी मैं करन वास्ते आया हुआ तो मैं बाइबल स्टडी करना इस टाइम मैं बाइबल कॉलेज दे विच ही हाँ। तो खुदा दे कलाम दे विच जदों मैं देखिया कि यार ये तो परमेश्वर का वचन मत्ती 10:8 विच लिखिया बीमारां नूं चंगा करो, दुष्ट आत्मावां कढ़ो, कोढ़ियां नूं शुद्ध करो, तो तुहानूं मुफ्त दिता गया तो तुसीं मुफ्त दो, तो फिर किस हिसाब दे नाल कुछ दास जिहड़े हैगे ने ले हैंड सर्विस ते पैसे लैंदे ने। तुसीं किसी दास नूं परसनल मिलना उन्हां नूं पैसे देने पैणे, तुहानूं प्रार्थना तुहाडे सिर ते हथ रख के करनगे तां पैसे लगणगे, मैंबरशिप दे हिसाब नाल तुहाडा कार्ड। हाँ ठीक, मैं मानदा कि मिनिस्ट्री चलाउण वास्ते सेवकाई चलाउण वास्ते पैसे की जरूरत है, वाकई ही है, पैसे बिना मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। पर की यह जायज है कि असी मैंबरशिप के नाँ पर अलग अलग जातिवाद बनाता, असी अलग अलग लैवल बना दिते ने। अगर मैंबरशिप, मैं मैंबरशिप के खिलाफ नहीं हाँ, मैंबरशिप हो सकती है तुसी करो मैंबरशिप अगर करनी है, पर इक्वल रखो ना। फिर अगर ब्राउन है तो फिर सारी ही कलीसिया ब्राउन च ही आवे, जे गोल्डन है तो सारे ही गोल्डन होणगे। हुण प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने किसी चेले नूं वध घट कहा नहीं हैगा, प्रभु यीशु मसीह जाणदे सीगे जिहड़ा यहूदा इशकरोती उहनूं फड़ाएगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस नूं भी थले नहीं रखिया, उस नूं भी जिन्नी देर वो नाल रहा उन्नी देर बराबर दा हक दिता। तो फिर यह किस हिसाब के नाल, मतलब कि यह भेदभाव से जो वंड वटारा हो रहा है। तो सारे खुदा के दास ते दासियां नूं मैं बेनती करनी चाहुंदा ते कलीसिया वाले नूं बेनती करनी चाहुंदा कि जो कल्टिज़म चलता है, जो पखंडवाद चलता, इस तो मन फिराओ क्योंकि वचन दसदा कि मन फिराओ ते मुड़ आओ परमेश्वर के राज की खोज करो। तो मेरा एक
ਗਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸੇ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੱਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤੇ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਮੱਟੂ ਜੀ SOG ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਔਰ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਛ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਾਸ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਧਰਮੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ